Hi guys, today once again on my YouTube channel PharmaHub. Today once again welcome to you on my YouTube channel PharmaHub. I hope you will be fine. Guys, today we will discuss about filling of capsule. जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है आजकल चल रहा है कैप्सूल्स, तो आज हम बात करेंगे कैप्सूल्स में, फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स में। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कुछ रॉ मटेरियल ऑफ कैप्सूल्स की बात की थी, तो आज हम बात करेंगे फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स में। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो गाइस, आइए बात करते हैं फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स में। फिलिंग ऑफ कैप्सूल में हम बात करेंगे कि किस किस प्रोसेस में फिलिंग कैप्सूल फिलिंग होकर के आप तक पहुंचता है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे शो किया है ए बी सी डी एल ई आर, क्या है ये सब, क्या है ये सब हमारे क्या है एक्सिपिएंट्स है, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे एक्सिपिएंट्स है जो हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। जैसे हम टैबलेट बनाने में यूज करते हैं, कैप्सूल बनाने में यूज करते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे होते हैं इंग्रेडिएंट्स, जिनका क्या होता है जिनका कोई थेरेप्यूटिकल यूज नहीं होता, उनको हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स में सब सही आ जाते हैं, जैसे हम गोज बाइंडर यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, कलराइजर यूज करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं हमारे इंग्रेडिएंट हो गए एक्सिपिएंट्स में आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जितने हमको जो भी रिक्वायरमेंट होती है कैप्सूल्स को बनाने के लिए फिल करने के लिए, उनको हम क्या करेंगे सबको इकट्ठा करेंगे और सबको क्या करेंगे एक मिक्सर में डाल देंगे। मिक्सर में डालने क्या होगा हमारे, उनकी सीविंग होगी और मिक्सिंग होगी, सीविंग हो जाएगी, और सीविंग होने के बाद तो सीविंग सब कंबाइन होकर के काम में पहुँचेंगे, सब ब्लेंडर में पहुँचेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लेंडर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ब्लेंडर, यहाँ ब्लेंडर, यहाँ पे क्या होता है ब्लेंडर में पहुँचेंगे, ब्लेंडर में सब क्या मिक्सअप होगी ब्लेंडर में आएंगे। अब ब्लेंडर में आने के बाद फिर भी यहाँ से ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे एक हमारे चैम्बर होगा उसमें जाएंगे, यहाँ से ये पाउडर भी फॉर्म में यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद फिर क्या होगा, इधर एक साइड से हमारे एमपीटी कैप्सूल जाएंगे और एक साइड से हमारा पाउडर आएगा। अब दोनों के दोनों यहाँ से एमपीटी कैप्सूल और यहाँ से पाउडर दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, कैप्सूल फिलर में जाएंगे। कैप्सूल फिलर में जाने के बाद यहाँ से हमारे जो कैप्सूल्स है वो फिल हो जाएंगे कैप के अंदर, जो कैप के अंदर हमारे कैप्सूल्स है और कैप होती है जो हमारी बॉडी होती है उसमें हमारी जो मेडिसिन है वो फिल हो जाएगी और हमारे यहाँ से कैप लग जाएगी, उसको यहाँ पे हमसे कैप्सूल्स रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से रेडी होने के बाद कैप्सूल यहाँ पे जाएगा हमारा कैप्सूल इंस्पेक्शन में। कैप्सूल इंस्पेक्शन में क्या होता है, कैप्सूल्स को जो हमें मशीन है हमारी वो चेक करेगी जो हमारा कैप्सूल से वो सही है, तो अगर सही होगा तो उसको आगे फॉरवर्ड करेगी और नहीं होगा रिजेक्शन होगा तो उसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब क्या होगा, कैप्सूल फिल होने के बाद हमारा क्या होता है यहाँ से पैकिंग हो जाएगी। अब पैकिंग से पहले बहुत सारे मेथड लगाए जाते हैं कैप्सूल पर, जैसे क्या करता है उसमें उसकी उसमें देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, उसमें पहले पैकिंग से पहले क्या होता है उसकी पॉलिशिंग की जाएगी, अगर हम क्या करते हैं एंट्री कोटिंग करना चाहते हैं तो एंट्री कोटिंग की जाएगी उसमें, और हमें क्या करना है उसमें क्लोथिंग होगी, उसमें क्लोथिंग ब्रशिंग होगी, साफ करेंगे उसको, तो ये सब कहा पैकिंग से पहले होगा, पैकिंग से सबसे पहले होगा। अगर एंट्री कोटिंग कैप्सूल करें तो वहाँ पर एंट्री कोटिंग भी यहीं से इससे पैकिंग से पहले पहले हो जाएगी। तो गाइस, ये था हमारा मशीन मेथड है, मशीन के प्रोसेस से इसको कैप्सूल को फिलिंग करते हैं। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल हमारे जो बस कुछ एग्जाम्पल मशीन के एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर रोटर शॉट होता है, एक होता है रोटर फिलर, ये हमारी क्या है हमारी कैप्सूल से जो हम कैप्सूल फिल करने के काम आती है हमारी, ठीक है। और गाइस, ये क्या हम कैप्सूल को हैंड फिलिंग भी करते हैं, हैंड फिलिंग में क्या होता है हमारे पास एक छोटा सा चैम्बर होता है, जैसे उसमें क्या होता है हमारे लगभग 200-250 क्या होते हैं 300 लगभग माउल्स होते हैं, मतलब थोड़े जिनको हम सांचे कहते हैं हिंदी में वो होते हैं। उसमें क्या करते हैं उसमें उसमें जैसे उसमें कैप डाल देते हैं, तो कैप डाल देंगे उसमें फिर ऊपर से क्या करेंगे पाउडर एक प्लेट रखेंगे, उसमें प्लेट के ऊपर से उसमें रबड़ प्लेट, उसमें क्या है अपना जो इंग्रीडेंट है वो डालेंगे उसमें और हमारा जो मेडिसिन से एपीआई है वो डालेंगे और फिर ऊपर से उसमें क्या करते हैं उसको कैप कर देते हैं। तो ये हैंड मेथड होता है गाइस, ये हमारा मशीन मेथड और है हैंड मेथड होता है। तो गाइस, इस ये काम जो हमारी कैप्सूल मेथड यूज करते हैं इसमें ये क्या करते हैं कैप्सूल फिलिंग के लिए यूज करते हैं। तो गाइस, इसके बाद हमारे और इससे पहले हमारे बहुत सारे मेथड होते हैं जो हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स में। तो गाइस, इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैप्सूल के बारे में। तो आज थोड़ा सा जान लेते हैं टाइप्स ऑफ कैप्सूल में, टाइप्स ऑफ कैप्सूल में आप के अंदर शेप कैसे कैसे होते हैं आपको पता है कि मतलब बहुत सारे शेप के कैप्सूल आते हैं, जैसे क्या होते हैं राउंड कैप्सूल्स भी होते हैं, ओवल कैप्सूल्स होते हैं, ऑब्लोंग कैप्सूल्स होते हैं, मिसलेनियस भी कैप्सूल्स होते हैं। तो उनको क्या करते हैं वो हमारे कैप्सूल्स के टाइप होते हैं, किसे साइज क्या होता है उनका साइज कैसा होता है, जैसे कि हम जो यूज़ करते हैं हम क्या ज़्यादातर हम ओवल कैप्सूल्स यूज़ करते हैं या फिर हम ज़्यादातर ओवल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम सपोजिटरीज होते हैं, सपोजिटरीज की फॉर्म में कैप्सूल्स भी आते हैं कुछ, उनको क्या होते हैं किस फॉर्म में होती है वो ऑब्लॉन्ग फॉर्म में होती है या ऐसे होते हैं या राउंड फॉर्म में। जैसे कि आपको पता है जो हम सबसे बड़ा कैप्सूल होता है जो ह्यूमन में हम यूज़ करते हैं वो 5 नंबर का कैप्सूल होता है। तो गाइस, इसी लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फर्दर
आगे टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स के शेप के बारे में और उनके और कुछ बात बात जाने के बारे में। तो गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कमेंट, एंड यू कैन इफ यू वांट टू एनी इंप्रूवमेंट तो यू कैन सजेस्ट। तो गाइस यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो गाइस आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस।